के महुगांव नगर पंचायत क्षेत्र की भागीरथ कॉलोनी में पीने के पानी व वार्ड में गंदगी की समस्या को लेकर लोगों ने नगर परिषद व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद विरोध करते हुए क्षेत्रीय महिलाओं ने महू तहसील कार्यालय में जाकर एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने महुगांव नगर पंचायत सीएमओ आधार सिंह को भी एक ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया, जिस पर सीएमओ आधार सिंह ने कहा कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएमओ अपने ऑफिस में कई दिनों से नहीं बैठे हैं, हम शिकायत किससे करें। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। वर्तमान में नगर पंचायत महुगांव की अध्यक्ष रही, वह भी खुद के कार्यकाल में बंद किए गए बोरिंग एवं पानी व गंदगी की समस्या के लिए भीड़ लेकर पहुंच गई और नगर पंचायत की अधिकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब खुद की नगर पंचायत में काम नहीं हुआ, इसके बावजूद अपनी खुद की साख बचाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंच गए, जबकि स्थानीय लोगों को रोजाना गंदगी एवं पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लोगों ने कहा कि समस्या का जल्द समाधान किया जाए, नहीं तो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। महीने से 11 तारीख से हमको 8 दिन बोल रहे हैं, 8 दिन में आपके नामकरण की जाएगी। कितने दिन में ये प्रोसेस हो जाती है? 1 महीने का बोला था। अच्छा, ये किनने आपको बोला था, कुछ नाम बता पाएंगे आप? ये सर जो बैठे हैं ना, उन्होंने ही बोला था, तिवारी जी ने, कि 1 महीने में आ जाएगी। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर यही कारण है, क्या इनको पैसे दे दो तो तुरंत काम कर देते हैं, बाकी नहीं करो कोई सुनवाई नहीं है। सर हम आज छोटे छोटे बच्चे लेके आती हूँ, मैं आज बच्चे नहीं लेके आई हूँ, मैं गोदी में बच्चे लेके आती हूँ। कितने चक्कर लगा चुके हैं आप लोग? सर हर 8 दिन में आते हैं, 3 महीने का चक्कर। आपका नाम? मेरा 3 महीने से मैं घूम रही हूँ, मेरे हाथ में 12 घंटे की ड्यूटी करता है, मैं बच्चों को घर छोड़ के आती हूँ, मेरा नामांतरण नहीं हो रहा, मैं 3 महीने से घूम रही हूँ। क्या मैं 3 महीने से जब घूम रही हूँ तो उनको सोचना चाहिए कि कम से कम मैंने, ये लेडीज 3 महीने से घूम रही है और तिवारी जी ने मुझे बेवकूफ बनाया, फिर उनकी जगह जो आए वो मुझे बेवकूफ बना रहे। क्या उनका ये कहना है, बोले सीएम साइन नहीं कर रहे, सीएम साइन नहीं कर रहे। कौन सीएम है? मैं सीएम से मिलना चाहती हूँ। क्या मेरा कारण बताओगे, मेरा कौन सा साइन, मतलब क्यों रुका हुआ है? क्या 3 महीने से मैं ना 10 चक्कर लगा चुकी हूँ, मुझे ना तिवारी जी ने बोला ये फॉर्म भरो, मैं शांतिनगर के 3 चक्कर लगाई हूँ, फिर बोले ये साइन करवा के लगाओ, फिर मैं चक्कर लगाए। मेरा आदमी इंद्रावन सेक्रेटरी वहाँ 3 नंबर में ड्यूटी करता है, मैं कितने राउंड लगा रहूंगी यहाँ लगा लगा के। सारे नगर पालिका वाले साले कम ही नहीं है यहाँ पे, क्या बदतमीज है यहाँ पे सारे। क्या मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को सबको हटा दिया जाए, जो बेरोजगार है उनको यहाँ पे कामयाबी मिलना चाहिए। क्या बिल्कुल सही हद कर दिए यहाँ पे इन लोगों ने, यहाँ नगर पालिका में बैठ बैठ के यहाँ बोलने वाला इंसान होना चाहिए। हमारे शांतिनगर में ना नाले साफ करने आते हैं, ना कोई भी कुछ करने आते हैं यहाँ पे, चैंबर हमने अपने पैसे से डलवाया है। यहाँ जो सीएमओ साहब है, आप सीएमओ साहब के पास आवेदन दिया क्या आपने? हमने सीएम को से इन्होंने हमको मिलने नहीं दिया। क्या जो इनके उनकी जगह बैठे ना नगर पालिका में, जो टैक्स वगैरह जो लेते हैं, उन्होंने मना कर दिया। सीएम साहब बोले ये अभी ये वापस रिटर्न फाइल करी है। तो क्या लगता है, कुछ कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पैसा खाना चाहते हैं, बस बात खत्म। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला डांगी है, मैं शांतिनगर में रहती हूँ, 110 भी मेरा मकान नंबर है, जिसको आना वो मेरे यहाँ पे मेरे शांतिनगर में मेरा मकान क्या आके बताए मुझे। हमारे यहाँ एक तो नालियों की सफाई नहीं होती है, दूसरी बात किन्हीं का 3 दिन से पानी ही नहीं आ रहा है, लोग अपने घर में परेशान हैं, साफ सफाई बच्चों को लेकर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नगर परिषद के 3-4 राउंड काट चुके हैं, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, सीएमओ साहब नहीं मिल पा रहे हैं, और किसी से पूछो कि किसके आदेश से हुआ है, सब अधिकारी एक दूसरे पे बोल रहे हैं और मतलब संतुष्टिपूर्ण तरीके से कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। अधिकारी कितने दिन में आते हैं यहाँ पर? आज भी हम आए हैं, कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर, और अब वो पीछे अभी पता करा है तो बोले कल आएंगे, अब कल फिर ये तो महिलाएं अपने घर का काम छोड़कर फिर यहाँ राउंड लगाएंगी और अधिकारियों को अपनी समस्या बताएंगी, उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और बिना बोले ये कनेक्शन काट दिए गए हैं, दूसरी जगहों के भी हम बोरिंग देख रहे हैं जो चल रहे हैं, जहाँ नर्मदा लाइन है उसके बावजूद भी नल चल रहे हैं। अब यहाँ नर्मदा लाइन की क्या हाल है यहाँ, जो बोलते हैं कि नर्मदा लाइन मुश्किल से 20 मिनट आती है, बहुत कम प्रेशर है। कितने दिन में देते हैं पानी? 3 दिन में एक बार आती है, और पानी भी कोई पर्याप्त नहीं हो पाता है। अब वो 3 दिन में आती है, वो पानी इतना आता है कि 1 दिन ही चल पाए। आपका नाम? मेरा नाम विवेक सपूरिया।
भागीरथ कॉलोनी से। नहीं, ना तो सफाई व्यवस्था बंद हुई, ना पानी सप्लाई बंद हुआ है, पानी और सफाई दोनों काम जारी रहे। तो उसमें कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी आपके नर्मदा लाइन का पानी नहीं आता है, पिछले 6 दिन से लोग परेशान हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक करवा दें, ऐसी समस्या है तो उसको करवा दें, ठीक करवा दें। तो बोरिंग का जो आपने बोरिंग के कटआउट निकाले थे, निकलवाए थे, उसका मुख्य कारण क्या रहा? इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बिल आता है, डबल डबल पानी सप्लाई होता है, पानी की समस्या नहीं आने देने, उसको हल किया जाए। सर पिछले 17 सालों से वही बोरिंग काम कर रहे थे, ठीक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, आपका नाम? आधार सिंह, CMO। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।